नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। अम्बाला के साथ लगते साहा के गांव फुलेल माजरा में बीती शाम गोलियां चलाई गई थी और उसमें कई लोग घायल हो गए थे और दो लोगों को पीजीआई भी रेफर कर दिया गया था। इस मामले में आज फिर साहा में एक बार फिर गोलियां चली हैं और बदला लेने की नीयत से एक व्यक्ति के सिर में गोली मार दी गई है। बड़ी खबर वहां से ये निकलकर सामने आ रही है कि सुबह सुबह नदी के समीप एक व्यक्ति के सिर में गोली मार दी गई, जिसके बाद उसे अम्बाला छावनी के नागरिक अस्पताल लाया गया और वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया है। और इस मामले में अब परिजनों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। परिजनों ने पुलिस से कहीं ना कहीं अपील की है कि जिन लोगों ने उनके पारिवारिक सदस्य की हत्या की है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं इस मामले में हमने पुलिस से भी बातचीत की तो पुलिस ने बताया कि कल जिस तरह से गोलियां चलाई गई थी उसी मामले में आज बदला लेने की नीयत से एक बार फिर सुबह गोली चलाई गई और व्यक्ति के सिर में गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो गई है। क्या कुछ चल रहा है पुलिस की कार्रवाई है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो पाल जाति के घर पर हमला किया था बाहर के लड़कियों ने, तो उस पर हमने रात कल इनके बयान पर पर्चा दर्ज कर दिया दूसरी पार्टी के खिलाफ। दूसरी पार्टी का भी कल गोली लगी दो बंदे का, वो पीजीआई में एडमिट हैं 32 में, और इनकी छुट्टी होगी थी रात को जो पाल जाति के, तो उन्होंने बदला लेने की नीयत से इसको सवेरे कल्ले को गोली मार दी। क्या नाम है जिसका जिसको गोली इसका बात को लेकर विवाद चल रहा है? ये विवाद तो गांव की जोड़ी तालाब है, तालाब पे कब्जे नजायज कब्जे को लेके विवाद चला हुआ सरपंच के साथ। कितने लोगों के खिलाफ मामला कितने लोगों के खिलाफ मामला कर दिया? अभी तो करने लग रहे सर, ये मामला जो बयान देंगे वो तो रात पुलिस का कहना है की 24 के दौरान वहाँ नहीं हुआ ना, वो दूसरे एरिया में जाके हुआ। हाँ, वो दूसरे एरिया में हुआ, जो ये पड़ता है मंगड़ी का गाँव का रकबा खेतों में। अब एक एक आदमी को तो सिक्योरिटी नहीं दे सकते ना, तो जैसे वो बाहर आया गांव से घूमने फिरने आया, वो दूसरे गांव के एरिए में वहां से वहां हुए इसके साथ। इस गोलीकांड के बाद एक व्यक्ति की हत्या हो गई है और कुछ लोग घायल हैं, ऐसे में परिजनों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। माजरा, क्या नाम है आपका? मामचंद जी, गाँव फुलेल माजरा। और कल भी हमारे घर पे झगड़ा हुआ है, 8-10 लड़के आए थे और आज भी सवेरे भाई को बुला के उसको गोली मार दी है। ये पता नहीं किसने, वो भाग गए हैं, हमारे को तो पता नहीं ये कुछ भी है, अब हमारे को तो कुछ नहीं पता है। क्या नाम है जिनको गोली मारी? परजीत है। क्या गोली क्या लगी? कभी ठीक है गोली लगने से? कहाँ लगी गोली? सिर में लगी है। सिर में लगी, यहाँ लगी। तो क्या हुआ अभी, ठीक है? नहीं जी, नहीं ठीक नहीं, डॉक्टरों ने मेरे ख्याल जवाब मना कर दिया। पुलिस वगैरह कोई पूछ पूछे अभी नहीं पहुंची है ये, तो उसको मामला क्या है किस बात से लड़ाई चल रही है? जगह कहीं झगड़ा था जी पहले, मतलब बढ़ता डेली बढ़ गया जी। ये तालाब को लेके था? हाँ, तालाब ये आई वहाँ पे वक्त बोर्ड की जमीन हमने ले ली थी लीज पे, वो भी अब वो क्या करेगी जी जमीन, जो बंदे नहीं रहने की जमीन क्या करेगी हमारे लिए, जमीन क्या करेगी। कब से चल रहा है झगड़ा आपको? साल हो गया जी, पिछले साल से चल रहा है। वो बदमाशी बुला रहा है सरपंच गाँव में। अम्बाला में लगातार गोलीकांड होते जा रहे हैं और पुलिस कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मूक दर्शक इस समय बनी हुई है। कल भी दिन दिहाड़े ये गोलीकांड हुआ था और अब पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही इस मामले में आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। बहरहाल आप देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे।